गाइस नमस्ते। विहान बोला वो बा इडली की व्यू इडली खाया बाहर गया था और मानी मतलब मूवी जा रहे हैं हम लोग, तो इसका अभी आप लोग को समझ नहीं आएगा तो मैं समझाती रहूंगी। तो गाइस देखिए हम तीनों ने मैचिंग करने का लगभग कोशिश किया है, तो इंसिडेंटली हम तीनों ने सेम पहन लिया। मेरा और विहान का पहले से डिसाइडेड था, तो विक्रम जी ने भी हम लोगों को देख करके सेम मैचिंग थोड़ा है मेरा मैचिंग, ये पॉकेट मैच कर रहा है। हाँ ओके, तो चलो विहान आओ, चलो स्लीपर पहने बेटा। तो गाइस हम लोग जा रहे हैं कंटारा मूवी देखने। विक्रम जी शूज निकाल दीजिए मेरा, आप अंदर क्यों रख दिए थे, सूखने रखे थे जो। तो हम लोग कंटारा मूवी देखने जा रहे हैं, बहुत तारीफ सुनी थी गाइस उसकी, विक्रम जी का मन था लेते हैं। और ये देखिए हमने दिवाली की लाइटिंग लगाना स्टार्ट कर दिया है, रात में आपको दिखाऊंगी कि कैसा लग रहा है जलने के बाद। कल मैंने पूरा मेहनत इसका वीडियो नहीं बनाया आपने, इतनी मेहनत से मैंने पूरा एक एक कील ठोक ठोक के लाइट पकड़ते कि वीडियो बनाते हैं। नहीं बनाना याद नहीं था ना, तो बना ही रहते हैं। सो गाइस रूम वूम करते व्यू दिखा रहा है कि व्यू स्लीपर पहन लिया है, गुड। एक और पहन लीजिए, हाँ एक और, हाँ ये मम्मा का। मेरा आइसक्रीम लेकर के मुझे से भाग रहे हैं, व्यान अब दे दीजिए व्यान, ठीक है कि तो नौटंकी करता है लड़का, तो आप खिलाइए। कितना कम दे रहा, व्यान दो, व्यान अब दे दो, विहान फिर अब गिर जाएगा आपसे, दे दीजिए, ठंडा है ना, ठंडा। रिक्लाइनर वाले ये हमारी सीट थी और पिक्चर हो गई है ख़त्म, हम लोग जा रहे हैं। तो गाइस मेरी बहन की शादी है जैसा कि मैंने बताया था, बहन मम्मा बात कर रही थी दिखा रही हूँ, तो मुझे ना तो उसकी शादी के लिए मेहंदी हल्दी सब लेना है, तो वही मैं देख रही हूँ। एक मिनट एक मिनट, मुझे ना हल्दी के लिए एक स्कर्ट बहुत पसंद आया, वही दिखाती हूँ। तो ऑप्शंस तो बहुत है यहाँ पे, फिलहाल विहान को पकड़ते रो रहा है। चलो 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 पाओ, चलो पापा पास चले। सो गाइस अब शॉपिंग स्टार्ट हो गई है, आप सबको भी अपनी जर्नी शेयर करूँगी, अपनी बहन की शादी का पूरा वीडियो शेयर करूँगी, सो बने रहें। अच्छा लग रहा है, जैसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, बाबा नहीं होता मोमोज। खुश कितना, अरे बाप रे आफत मचा दिया था लड़का मोमोज के लिए। गाइस तो आज है नेक्स्ट डे और मैं बना रही हूँ नाश्ता, और ये नहीं कटा है अच्छे से, सभी काटता है। सो इधर मैंने सारी सब्जियाँ चॉप कर दी है, तो आज मैं बना रही हूँ इडली, वो भी सब्जियों वाला वेजिटेबल इडली, और फॉर द फर्स्ट टाइम, मैंने आज तक कभी ट्राई नहीं किया, बट मैंने देखा है वीडियो में कि लोग बनाते हैं, तो देखते हैं कैसा टेस्ट रहेगा। इसको थोड़ा सा राई और करी पत्ता से ठोक भी देंगे, और मेरे पास पता है सूजी कम था ना, तो अभी लाने को कौन जा सुबह, ये अभी तुम जो ऑफिस चले गए हैं, ऑनलाइन मंगा सकते हैं, लेकिन पता है ऑनलाइन का एक क्या रहता है कि आपको चाहिए एक सामान, फिर
फिर एक तो लेकर के आएगा नहीं, तो उस चक्कर में कुछ कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड हो जाती है, उस चक्कर में पैसे लग जाते हैं गाइस। सो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा इडली है, थोड़ा मैंने चूड़ा होता है ना पोहा, उसको पीस करके डाल दिया है। तो आप इस तरह से भी बनाना, बहुत सॉफ्ट बनता है पोहा की वजह से इडली। सो गाइस नाश्ता रेडी हो गया और मैं नाश्ता करने जा रही हूँ। और जो मैंने चटनी बनाया ना नारियल का ही है, तो इसमें मैंने और भी कुछ कुछ चीज़ें डाली है, और उसको मैंने छौंका नहीं लगाया है, बस उसको इसमें धनिया है, थोड़ा करी पत्ता है, यही सब है। इधर व्यान बैठ करके मस्ती कर रहा है। सो इसी के साथ गाइस ये व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। काफ़ी दिनों बाद ये व्लॉग गया क्योंकि सफाई में बिजी थी। सो सॉरी, बाय।